हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी कोरोना से ही जुड़ी हुई है। कोरोना का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। देश के छोटे शहरों में भी संक्रमण फैलता जा रहा है। जी हाँ, और ये लगातार खबरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी एक खतरा किस कदर विकराल हो गया है। अमेरिका की स्थिति क्या है, कुछ देर पहले हमने आपको वहां की एक नर्स को रोते हुए दिखाया जो ये कह रही है कि हम आत्मघाती दस्ते की तरह। जब सुपर पावर का ये हाल है तो हम जैसे देश, बाकी सारे जो डेवलपिंग नेशंस है उनकी क्या हालत होगी, आप सोचिए। इसीलिए तो लगातार लॉकडाउन में कहा जा रहा है कि आप घर पर रहिए और इधर उधर मत जाइए। देखिए, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई के धारावी में कोरोना पहुंच चुका है, वहीं दिल्ली में मरकज के लोग डॉक्टरों पर थूक रहे हैं। एक तरफ घनी आबादी, घनी बस्ती में कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ रक्षक के साथ बदसलूकी हो रही है। यही हमारी आज की तीन सबसे बड़ी खबरें हैं। एक, मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया में अगर कोरोना पहुंच गया है तो फिर ये तो बहुत डराने वाली खबर है। दूसरा, दिल्ली का मरकज किस तरह से लोगों के लिए एक कोरोना का केंद्र बनकर उभरा, और अब उसके बाद जो खबर ये कि वहां से निकाले गए लोग किस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं उन लोगों को जो उनकी जान बचा रहे हैं। देखिए, बेहद खतरनाक स्थिति है ये। एक तरफ तो इन्होंने मरकज में रहकर पूरे देश में संक्रमण फैला दिया। तकरीबन इन्होंने 2000 लोगों तक संक्रमण पहुंचाया है। 388 लोग तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो पॉजिटिव आए हैं, और अब जब इनको क्वारंटीन किया गया है तो अपने रक्षकों पर ही थूक रहे हैं। ये बेहद खतरनाक स्थिति है। कैसी सोच है इन लोगों की, ये समझ में आ रहा है किस तरह से ये लोग अपने आप को क्वारंटीन में भी बवाल मचाए हुए हैं। अपने रक्षकों पर, डॉक्टर पर, नर्सिंग स्टाफ का सम्मान तो छोड़िए, उन पर थूक रहे ताकि बीमारी और ज्यादा फैल जाए। जो पहले इन्होंने किया मरकज में शामिल हुए, उसे शायद ये जाने अनजाने में की गई गलती कह सकते हैं, लेकिन अब जो ये कर रहे हैं ये जानबूझ कर रहे हैं। अगर डॉक्टर्स इनको कह रहे हैं कि आप एक जगह पर रहिए, डॉक्टर्स अगर इनका टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें क्वारंटीन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जो हरकत इनकी तरफ से की जा रही है वो सरासर गलत। तो इसीलिए कोरोना पर जागरूक करने वाली दो सबसे बड़ी कवरेज के जरिए, इन दो बड़ी खबरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त इन दो बड़ी खबरों पर नजर हमारी नजर है, बल्कि हमने अपने संवाददाताओं की फौज भी ग्राउंड जीरो पर तैनात की हुई है ताकि आपको मिले हर जानकारी। जी हां, अंजलि और अजय दुबे दो हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सबसे पहले अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर अभी आपके पास? जी देखिए, जहां तक बात करें निजामुद्दीन मरकज की, तो यहां पर दिल्ली में जो 53 केसेस पॉजिटिव अभी तक आए हैं, कल 29 केसेस दिल्ली में पॉजिटिव जो मरकज से लोग निकाले गए थे जिनको हॉस्पिटल्स ले जाया गया था, तो उनकी टेस्ट रिपोर्ट 29 लोगों की पॉजिटिव आई है। और आपको बताया कि कल 32 नए मामले उन पॉजिटिव केसेस के दिल्ली में थे, तो यानी इन 32 में से 29 इस मरकज से हैं। और अब तक जो 152 कुल मामले दिल्ली में है उनमें से 53 मामले निजामुद्दीन मरकज से ही निकले हैं। और कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिस तरह का बर्ताव अभी किया जा रहा है, जैसे तुगलकाबाद का जो रेलवे का क्वारंटीन सेंटर है वहां पर से कुछ तस्वीरें भी आई हैं और खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरह की डिमांड्स रख रहे हैं। और इसके साथ सबसे ज्यादा हतप्रभ करने वाली जो चीज है वो ये कि स्टाफ के ऊपर थूक रहे हैं। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से भाग रहे, एक नागरिक हैं आप, अगर यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो पीछे मरकज है यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए थे तो आप लोग को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस तरह के आप अभी बर्ताव किया जा रहा है, बिल्कुल अंजलि यही बड़ा सवाल है कि आप यहाँ इकट्ठे थे तो आपके पास बड़ा आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन वहां जाके भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। हम सीधे मुंबई चलते हैं, अजय दुबे हमारे साथ हैं, उनके पास कुछ तस्वीरें आ रही है। अजय, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अभी अभी एक काफिला बेस्ट की एम्बुलेंसेस का जाता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति यहां पर होती दिखाई दे रही है धारावी में। धारावी क्योंकि देखिए दुनिया का सबसे बड़े स्लम में शुमार है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी बताया जाता है। ऐसी स्थिति में जब देखिए क्वारंटाइन की बात हो रही है तो क्वारंटाइन में मान के चला जा रहा है कि कमरे में खुद को अलग रखना है, अकेले रखना है, तो धारावी में तो एक एक कमरे में जहां 10-10 लोग एक साथ में रहते हैं तो ये बेहद चुनौतीपूर्ण बीएमसी के लिए भी होने जा रहा है। जिस इमारत में वो व्यक्ति जो धारावी में पकड़ में आया है, जिनका जो देहांत भी हो गया है कोरोना के चक्कर में, उस इमारत को सीज कर दिया गया है,
जो इलाके प्रमुख है धारावी के, उनको भी सीज कर दिया गया है। तो सीज की पूरी बात धारावी में देखने को मिल रही है। बीएमसी की जो टीम है वो भी सक्रिय हो गई है, जो अलग अलग इलाके हैं वहां पे स्प्रे करने की अब तैयारी है और सैनिटाइजेशन की तैयारी है। तो अभी जो एम्बुलेंस का काफिला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पूरी तैयारी बीएमसी की इस धारावी के इलाके से स्पष्ट तौर पर दिखाई हमें दिखाया। और आप दो संवाददाताओं की नजर से हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त दो सबसे बड़ी खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और ये दोनों डराने वाली खबरें हैं। हम बता रहे हैं आपको मुंबई की खबर, हम बता रहे हैं आपको दिल्ली की खबर। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियां कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर।